भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का कल जन्मदिन था। पवन सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर रांची में रहकर अनाथ बच्चे और बिछुप्त के बीच अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए। इस मौके पर पवन सिंह ने अपने कुछ सुरीले गानों से लोगों का मनोरंजन किए और सबके दिलों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़े और अपना गाना वहाँ मौजूद बिछुप्त और अनाथ बच्चों को डेडिकेट किए। अपने जन्मदिवस के मौके पर सिंगर पवन सिंह ने कहा कि वे अपना जन्मदिन पहले नहीं मनाते थे, लेकिन लोगों के प्यार और स्नेह से उन्हें सबके सामने आकर इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के बीच अपना जन्मदिवस मनाकर वो काफी भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर आई खुशी पवन सिंह को एक सुखद एहसास दिला रही है। कैंपस के बाहर फैंस का दिखा हुजूम। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग बिहार झारखंड सहित पूरे देश में है। लोग उन्हें सुनना और देखना चाहते हैं। रांची में उनकी एक झलक पाने के लिए कैंपस के बाहर घंटों लोगों के तांते लगे रहे। अनाथ और बिछिप्त बच्चों में दिखी खुशी। वहीं अपनी बीच पवन सिंह को पाकर वहां मौजूद अनाथ बच्चे और बिछिप्त में खासा उत्साह और खुशी देखी गई। इस मौके पर इन लोगों ने पवन सिंह को भरपूर आशीर्वाद दिया और उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किए। हर साल इसी तरह पवन सिंह बर्थडे मनाते रहे, हम लोग यही दुआ करते हैं। और पवन सिंह जी ने अपने पत्नी के भी साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, आप लोग ये फोटो में देख सकते हैं। वहीं फेसबुक पर भी पवन सिंह के फैंस का उनके जन्मदिवस की बधाई देने के लिए तांता लगा रहा पूरे दिन। आप लोग देख सकते हैं फेसबुक, आप लोग अगर पवन सिंह को फॉलो करते हैं तो पवन सिंह को देखते होंगे। ऐसा कोई भी स्टार या फिर फैन नहीं रहा जो पवन सिंह को उनको जन्मदिवस की बधाई नहीं दिया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कोई कमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय भोजपुरी, जय हिंद।